गाइज रिसेंटली मैंने एक जेड फोर्स एटीवी को खरीदा है भाई, काफी कमाल की एटीवी है। अगर आप इसको देखोगे ना हैरान रह जाओगे इसकी स्पीड वगैरह देख के। इसको बोलते हैं जेड फोर्स एटीवी बाइक। ये 1:12 स्केल मॉडल पे बनाई गई है और मेरे पास जितनी भी पुरानी वाली एटीवीज है वो टू व्हील ड्राइव है, पर ये एक ऐसी एटीवी है इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है। तो आज फटाफट से इसको टेस्ट करेंगे दूसरी एटीवी के साथ। मेरे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की एटीवी है, जैसे कि ये एक बाहुबली एटीवी है, इसका साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। और भी बहुत सारी एटीवीज है, जैसे कि ये देखो गाइस, ये उससे भी ज्यादा बड़ी एटीवी है। इसका नाम है 4D रियल हैंडल एटीवी, क्योंकि इसके साथ रिमोट नहीं मिलता है, रिमोट के प्लेस में इस तरीके की बाइक वाली हैंडल दी जाती है ये एटीवी को चलाने के लिए। तो चलो गाइस फटाफट से पहले मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, फिर इसको चला के भी देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। मैं आपको गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ इस तरीके की एटीवी आपने शायद ही कभी देखी होगी। इसके अंदर बहुत अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने जो खरीदा है स्पोर्ट आर वाला मॉडल खरीदा है। इसके अंदर एक नॉर्मल मोड भी मिलता है, वो सिर्फ टू व्हील ड्राइव पे ही काम करता है, तो इसलिए मैंने फोर व्हील ड्राइव वाला एक मॉडल खरीदा है। तो चलो बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स की हालत देखो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, कुरियर वालों ने बॉक्स को यहाँ से थोड़ा सा पिचका दिया है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। तो इसका ब्रांड का नाम जो है वो CF मोटो है, ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट सच में बहुत ज्यादा अलग टाइप का इसके साथ दिया गया है। ऊपर की तरफ दोनों ऑफ से, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है, ये इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पे इसके गियर चेंज करने के लिए एक स्विच दिया गया है। इसके अंदर 1, 2, 3 तीन गियर्स दिए जाते हैं। नीचे की तरफ बैटरी डालने का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कार्बन फिनिशिंग भी दिखाई देगा। तो अब ये हमारी एटीवी को निकाल लेते हैं यहाँ से। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये एटीवी को चलाने के लिए, इसीलिए गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज आपको एकदम तगड़ा वाला मजा आएगा। पीछे की तरफ एक छोटा सा ट्रंक भी है, इसके अंदर आप कुछ कैरी भी कर सकते हो, वापस से इसको बंद भी कर सकते हो। लुक वाइज तो भाई बिल्कुल एक रियल एटीवी जैसी ये दिखाई दे रही है। यहाँ सामने की तरफ इस तरीके की ग्रिल है, ये इसकी हेडलाइट है, डुअल हेडलैम्प इसके अंदर मिलता है, साथ में ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर इंडिकेटर भी इसका लगा हुआ है। ऊपर की तरफ की आप छत देख सकते हो, चाहे तो इसको अलग भी यहां से कर सकते हो। अंदर सीट्स वगैरह है, स्टीयरिंग वगैरह दी गई है, और तो और ये एटीवी के अंदर बहुत ही कमाल का सस्पेंशन भी दिया गया है और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम भी है। यहां पे Z-Force की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, CF मोटो बोल के यहां पे दिया गया है। शायद इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी अपने पास होगी तो वो यहां पे हम लोग रख भी सकते हैं, ये ज्यादा मिट्टी से उसे रगड़ नहीं खाएगी क्योंकि ज्यादा बंप इसके ऊपर नहीं दिए गए, और इसकी मोटर भी अंदर की तरफ फिट की गई है। बाकी ये रही इसकी रिचार्जेबल बैटरी, 7.4 वोल्ट की 600 mAh बैटरी दी गई है इसको चलाने के लिए। अब मैं आपको 4D हैंडल वाली एटीवी को अनबॉक्स करके बताने वाला हूं। इस तरीके की एटीवी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ये पहली एटीवी है जिसके अंदर आप जायरो को ऑन भी कर सकते हो या फिर जायरो को ऑफ करके भी चला सकते हो। बॉक्स को यहां से मैंने ओपन कर लिया है, ये बॉक्स शायद यहां से आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे देखो यार इसकी हैंडल कितनी ज्यादा बड़ी दी गई है। दिखने में एक बुलेट की जो हैंडल होती है उसी तरीके की हैंडल यहाँ पे इन लोगों ने डिजाइन की है। सबसे पहले मैं आपको एटीवी दिखा देता हूँ, ये रही एटीवी। इसके सामने के टायर के अंदर बहुत बड़ा जायरो सेंसर दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके की हैंडल दिखेगी, सीट वगैरह दी गई है, सामने हेडलाइट है। तो अब इसका हैंडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफी अलग तरीके का यह हैंडल है। ऊपर देखो बुलेट जैसा स्पीडोमीटर भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे बटन है इसको चलाने के लिए, यहाँ से आप इसका जायरो सेंसर वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो। सामने हेडलाइट है, इंडिकेटर वगैरह है, और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करता है। ये जो हमारी नई एटीवी है इन सबसे बहुत ज्यादा छोटे साइज की है, बाकी आज देखते हैं इन सबके सामने ये टिक पाएगी या फिर नहीं। वैसे ही मेरे पास ये एक एटीवी है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की दिखाई देती है क्योंकि इसका लुक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब ये तो आपको पता होगा ये है बाहुबली एटीवी, इसके सामने तो यार आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है। चलो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से फाइट कराने के लिए, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स सेट गो। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी एटीवी को रख दिया है, ये बाहुबली एटीवी तो इन सभी का बाप लग रहा है। तो सबसे पहले Z-Force एटीवी को मैं चलाने वाला हूँ। अगर मैं स्टीयरिंग टर्न करता हूँ तो इस तरीके से इसका इंडिकेटर भी काम करता है, अगर इस तरफ टर्न करूंगा तो इस तरफ का इंडिकेटर काम करेगा। साथ में पीछे भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, पीछे टेल लाइट्स के साथ साथ जिस तरफ मैं स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ उस तरफ का इंडिकेटर भी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, इसके अंदर एक और चीज़ है, ये चैनल 4 का स्विच है, यहाँ से ये गियर 1 है, ये गियर 2 है, ये गियर 3 है, इसके अंदर तीन तीन गियर्स भी दिए गए हैं। डायरेक्ट मैं अभी इसको थर्ड गियर में चलाने वाला हूँ, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। वो स्पीड ज़्यादा होने के कारण एकदम ये ड्रिफ्ट कर रही है, देखो ओए बहुत ज़्यादा फास्ट है यार ये कार तो। अब ये जो एटीवी है दो तरीके के ड्रिफ्ट मार सकती है, ये छोटा वाला ड्रिफ्ट है, देख रहे हो काफ़ी छोटे से एरिया में ये अभी ड्रिफ्ट कर रही है।
अब ये बड़ा ड्रिफ्ट भी मार सकती है, जैसे कि अब इसकी स्पीड में थोड़ा सा कम कर दूंगा तो देखो ये इतने बड़े बड़े ड्रिफ्ट भी मार सकती है। ड्रिफ्ट करने के मामले में ये एटीवी एक नंबर मेरे को लग रही है भाई। ये देखो यार, ओ माय गॉड। अब छोटा ड्रिफ्ट कराते हैं इसके साथ। ये छोटा सा ड्रिफ्ट है, बहुत ही छोटे से एरिया में भी ये ड्रिफ्ट कर सकती है। तो अब ये रियल हैंडल वाली स्टीयरिंग की एटीवी को चलाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे इसके अंदर भी एक लाइट दी गई है जो कि इसकी हेडलाइट की तरह वर्क करती है। यहाँ से अब हम लोगों को हैंडल को ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन हो चुका है। यहाँ से आप इसका जायरो सेंसर ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो अब इसको चलाते हैं, उससे पहले इसको भी स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। वाओ, ये ऑन हो चुका है। अब देखो भाई इसकी पावर कितनी ज़्यादा है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसका एक्सेलरेटर है, जैसे कि बाइक्स में दिया जाता है। जैसे हम ये घुमाएंगे अपनी एटीवी इस तरीके से भागने लगेगी। अब इसको रिवर्स लाना है तो समझो ये बटन को हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। ये इस तरीके से रिवर्स आ जाएगी और ये फॉरवर्ड चली जाएगी। अब इसको टर्न कराने के लिए देखो भाई काफ़ी मज़ेदार चीज़ इसके अंदर दी गई है। जैसे ही मैं ये हैंडल को टर्न कर रहा हूँ उस तरफ ये एटीवी इस तरीके से टर्न होने लग रही है। ये फीचर इसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। तो मेरे को लगता है इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक्चुअल में आउटडोर में चलाने के लिए ही बनाई गई है। अब ये हैंडल को टर्न करके भी हम लोग इसको टर्न करा सकते हैं। साथ में इसके अंदर जायरो सेंसर होने के कारण हैंडल को आप जिस तरफ टिल्ट करोगे ये एटीवी उस तरफ इस तरीके से टर्न होने लगती है। अब मैं इसको इस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रही है। अगर मैं इसको राइट की तरफ टिल्ट करूँगा तो ये राइट की तरफ इस तरीके से टिल्ट होने लगती है। तो चलो एक बार इसको चला के बता देता हूँ। स्टीयरिंग इसकी एकदम परफेक्टली काम कर रही है। अब एक्सेलरेटर देते हैं। ये देखो गाइस, अरे बाप रे, इसके तो ब्रेक ही नहीं लग रहे यार। इसको रिवर्स कर लेते हैं। अब सामने लेके आके एक बार ब्रेक लगा के देखते हैं। अरे बाप रे, स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण ब्रेक ही इसके प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहे हैं। इसको चलाने में भाई अलग लेवल का मज़ा आता है, पर इसको चलाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत भी पड़ती है यार। मेरे को इसको सही तरीके से चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अब इसका मैं जायरो सेंसर ऑफ़ करने वाला हूँ। ये ऑफ़ कर दिया मैंने। अब देखो जैसे रियल बाइक के अंदर स्टीयरिंग होती है ना, इस तरफ टर्न करने पर इस तरफ जाएगी, इस तरफ टर्न करने पर इस तरफ जाएगी। अब वैसे इसको एक बार चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखते हैं इस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से चलती है। ओ भाई, ये तरीका मेरे को सही लग रहा है। ऐसे चलाने में ये काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है और चलाना भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। ये देखो एक टायर पे ये 360 डिग्री लेफ्ट साइड में भी घूम सकती है, साथ में राइट साइड में भी इस तरीके से घूम सकती है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा दी गई है। अब मैं ये ट्रांसपेरेंट एटीवी को चलाने वाला हूँ। इसको ऑन ऑफ स्विच यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। ऑन कर लिया मैंने इसको। शायद इस तरीके की एटीवी आपने कभी देखी होगी। देखो यार, कम्प्लीटली ये ग्लास जैसी दिखाई देती है। सबसे पहले इसको जेस्चर सेंसिंग वॉच से मैं चलाने वाला हूँ। देखते हैं इसका वॉच किस तरीके से काम कर रहा है। देखो गाइस, बहुत ही कमाल के सेंसर्स इसके साथ दिए गए हैं। ओ भाई, अब देखो रिवर्स में लेके आ रहा हूँ। अब इसको लेफ्ट को चलाऊंगा, अब इसको इस तरीके से राइट को चलाऊंगा। ये थोड़ा सा जंप करने के कारण थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही है। अब इसको 360 डिग्री घुमाने के लिए अलग ही जेस्चर इसके अंदर दिया गया है। मुट्ठी को मैं इस तरफ करूंगा तो ये इस तरफ घूमेगी, और मुट्ठी को मैं जैसे ही खोलूंगा तो ये रुक भी जाती है। ये वाली एटीवी को मैं रिमोट से भी एक बार चला के बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे बटन दिए गए हैं। एक बार इसको चलाते हैं। वाह, घोड़े की तरह चल रही है। देखो फटाफट तरीके से रोटेट हो जाती है। यहाँ पे भी मैं इस तरीके से रोटेट करा चुका हूँ इसको। वाओ, अब मैं बाहुबली एटीवी को चलाने वाला हूँ। इसका साइज सभी एटीवी से काफी ज्यादा बड़ा है। इसका इग्निशन ऑन करने के लिए ये ट्रिगर प्रेस करना पड़ता है। वाओ, रियल एटीवी जैसी इसके अंदर आवाज आती है। साथ में पीछे की तरफ एक बूस्टर भी दिया गया है। बूस्टर को ऑन करने के लिए ये बटन प्रेस करना पड़ता है। ये देखो इस तरीके से इसका बूस्टर वर्क करता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल बूस्टर भी इसके अंदर दिया गया है। तो चलो गाइस, इसको चला के दिखाता हूँ मैं कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये देखो, वो तो इसको टर्न होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण और इसके टायर्स ज़्यादा बड़े होने के कारण ये प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं हो पाती है। पर इसकी एक चीज़ अच्छी है, ये देखो इस तरीके से 360 डिग्री घूम जाती है जैसे आप इसके अंदर ज़ोर से ब्रेक लगाते हो। तो अगर मैं Z4 ATV की दूसरे ATV के साथ रेस कराऊंगा ना, तो क्लियरली 100% Z4 ATV जीत जाएगी, क्योंकि क्लियरली यहीं से ही पता चल रहा है कि इसकी स्पीड दूसरे ATV से बहुत ज्यादा है। अब ये ट्रांसपेरेंट ATV और ये बहुत ही खतरनाक वाली Z4 ATV के बीच में कराते हैं फाइट। देखते हैं Z4 ATV जीतती है या फिर ये ट्रांसपेरेंट ATV जीतती है। चलो गाइस, फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी है।
वाओ गाइस, ये क्या सीन था यार। पहले ये पलट गई थी, उसके बाद में ये पलट चुकी है, दोनों के बीच में टाई हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फिर एक बार दोनों के बीच में फाइट कराते हैं। वाओ गाइस, यहाँ पे दोनों के बीच में काफी टफ फाइट चल रही थी। ये क्या हो गया यार, फिर से ये एटीवी यहाँ पे पलट चुकी है। ठीक है, पुशबैक में तो ये एटीवी ने इसको हरा दिया था दो दो बार। अब इन दोनों के बीच में एक रस्सी को मैंने बांध दिया है, कराते हैं थोगो फोर, देखते हैं इस बार ये एटीवी को ये ट्रांसपेरेंट एटीवी हरा पाएगी या फिर नहीं। एक दो तीन, ये हो चुकी है फाइट स्टार्ट। अरे बाप रे, ये क्या था। जेड फोर्स एटीवी की पावर देखो गाइस कितनी ज्यादा है। इसने तो यार ट्रांसपेरेंट एटीवी को उठा के फेंकने की भी पूरी कोशिश की है। ये लो, ओ माय गॉड, ट्रांसपेरेंट एटीवी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर जेड फोर्स एटीवी ने इसको गोल गोल घुमा के रख दिया है पूरी तरीके से। अब ये दो एटीवी के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ, देखते हैं जेड फोर्स एटीवी ये बाहुबली एटीवी को हरा पाएगी या फिर नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अरे बाप रे, बाहुबली एटीवी पावर तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी यार। इसने तो चुटकी बजाते ही अपनी तरफ खींच लिया है जेड फोर्स एटीवी को। यहाँ पे जेड फोर्स एटीवी पूरी कोशिश कर रही है 4x4 का फायदा उठाने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता ये जरा भी टिक पाएगी ये बाहुबली एटीवी के सामने। अब ये है हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रक। अब देखते हैं क्या ये ट्रक को हमारे एटीवी खींच पाएंगे या फिर नहीं। ये ट्रक के अंदर देखो मैं इतने बड़े बड़े पत्थर भी डालने वाला हूँ। ये एक बड़ा पत्थर है और ये दूसरा बड़ा पत्थर है और दो पत्थर मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। देखते हैं इतना ढेर सारा वेट क्या ये खींच पाएगी या फिर नहीं। अगर इसके वेट की बात करूँ तो यार मैं इसको उठा तक नहीं पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये 20 किलो तो भी होगा। सबसे पहले बाहुबली एटीवी के साथ ये टेस्ट मैं करने वाला हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये क्या सीन हो चुका है इसके साथ, जैसे यहाँ पे फुल पावर लगा कर मैंने ये स्कैलिया ट्रक को खींचने की कोशिश की है। ये देखो वापस से बताता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर चल रहा है यार। मेरे को लगा कि ये काफी आराम से खींच लेगी, पर ये बार बार पलट रही थी इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, इसको हटा के अब लेके आते हैं अपनी 4D जायरो सेंसर वाली एटीवी, देखते हैं खींच पाएगी या फिर नहीं। ये तो पूरी कोशिश कर रही थी पर इसने भी व्हीली करी है थोड़ी देर तक, उसके बाद ये भी अनबैलेंस होकर इस तरीके से पलट रही थी। अब यहाँ पे आ चुकी है जेड फोर्स एटीवी, देखते हैं गाइस क्या जेड फोर्स एटीवी ये स्कैनिया ट्रक को खींचेगी या फिर नहीं। माई गॉड, ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था यार। मेरे को लगा कि ये भी पलट जाएगी पर इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर हैगी, ये 20 किलो का वेट बहुत ज्यादा आराम से खींच के लेके जा रही है। तो दोस्तों नो डाउट जेड फोर्स एटीवी दूसरे एटीवी से बहुत ज्यादा फास्ट है और ये वेट भी बहुत ज्यादा खींच सकती है। सिर्फ आज ये बाहुबली एटीवी से आमने सामने वाली लड़ाई में हार गई थी, बाकी ये एटीवी मेरे को मस्त लगी है। ठीक है, मैं आज देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है मोहित, बबलू, रवि, राजेश, सैफ, संदीप, अदनान, हिमाद्री, आशीष, सुदीप। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।